वीडियो में हम जानेंगे 1992 से लेके 1999 तक की सुनील शेट्टी और सनी देओल की फिल्में, साथ ही जानेंगे दोनों सुपरस्टार में से किसने दी सबसे ज्यादा हिट सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में और कौन रहा नंबर वन सुपरस्टार 90 के दशक में। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सुनील शेट्टी की फिल्में 1992 से लेके 1999 तक। सुनील शेट्टी ने फिल्मों में डेब्यू किया बलवान फिल्म से, जो कि 1992 में आई और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1993 में सुनील शेट्टी की दो फिल्में आई, नंबर एक है पहचान, ये फिल्म बिलो एवरेज रही। दूसरी फिल्म है वक्त हमारा है, ये फिल्म एवरेज साबित हुई। 1994 में सुनील शेट्टी की कुल मिला के 5 फिल्में आई, नंबर एक है हम हैं बेमिसाल, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। नंबर दूसरी है गोपी किशन, ये फिल्म सेमी हिट रही। तीसरी फिल्म आई मोहरा और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई सिनेमाघरों में। नंबर 4 पर है अंत और ये फिल्म सेमी हिट रही। इसी साल 5वीं फिल्म आई दिलवाले और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। 1995 में सुनील शेट्टी की कुल मिला के 5 फिल्में आई, नंबर एक है रघुवीर, ये फिल्म बिलो एवरेज रही। दूसरी फिल्म आई टक्कर और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म आई गद्दार और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। इसी साल चौथी फिल्म आई सुरक्षा और ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई सिनेमाघरों में। इसी साल 5वीं फिल्म आई एक था राजा और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 1996 में सुनील शेट्टी की कुल मिला के 5 फिल्में आई, नंबर एक है विश्वासघात, ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। दूसरी फिल्म आई रक्षक और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। नंबर तीसरी है सपूत और ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसी साल चौथी फिल्म आई सस्त और ये फिल्म बिलो एवरेज रही। इसी साल 5वीं फिल्म आई कृष्णा और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। 1997 में सुनील शेट्टी की कुल मिला के 6 फिल्में आई, नंबर एक है ढाल, ये फिल्म फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म आई जज मुजरिम, ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसी साल तीसरी फिल्म आई कहर और ये फिल्म एवरेज साबित हुई। इसी साल चौथी फिल्म आई भाई और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1997 में 5वीं फिल्म आई पृथ्वी और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। सुनील शेट्टी की 1997 में 6वीं फिल्म आई बॉर्डर और यह फिल्म सिनेमाघरों में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1998 में सुनील शेट्टी की कुल मिला के 3 फिल्में आई, हमसे बढ़कर कौन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। दूसरी फिल्म आई आक्रोश और यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। तीसरी फिल्म आई विनाशक और यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। 1999 में सुनील शेट्टी की 3 फिल्में आई, नंबर एक है काला साम्राज्य, यह फिल्म डिजास्टर रही। दूसरी फिल्म आई बड़े दिल वाला और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। तीसरी फिल्म आई हू तू तू और यह फिल्म फ्लॉप रही। दोस्तों, इस तरह से सुनील शेट्टी ने 1992 से लेके 1999 तक कुल मिला के 30 फिल्में दी, जिनमें से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर एक फिल्म रही, वहीं ब्लॉकबस्टर एक फिल्म रही, सुपर हिट एक फिल्म रही और सेमी हिट 4 फिल्में दी, वहीं एवरेज 4 फिल्में रही और बिलो एवरेज 4 फिल्में रही और फ्लॉप 13 फिल्में दी और डिजास्टर 2 फिल्में दी। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सनी देओल की फिल्में 1992 से लेके 1999 तक। सनी देओल ने कितनी फिल्में दी, उनमें से कितनी हिट सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही। सन 1992 में एक फिल्म आई विश्वात्मा और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। 1993 में सनी देओल की कुल मिला के 7 फिल्में आई, नंबर एक पर है लुटेरे, ये फिल्म हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 2 पर है क्षत्रिय, ये फिल्म एवरेज साबित हुई सिनेमाघरों में। नंबर 3 पर है दामिनी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 4 पर है इज्जत की रोटी, ये फिल्म फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 5 है वीरता, ये फिल्म एवरेज रही सिनेमाघरों में। नंबर 6 है गुनाह, ये फिल्म फ्लॉप रही। सनी देओल की इसी साल 7वीं फिल्म आई डर और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1994 में सनी देओल की कुल मिला के 2 फिल्में आईं, नंबर एक है इंसानियत, ये फिल्म फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर। इसी साल दूसरी फिल्म आई इम्तिहान, ये फिल्म एवरेज साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। 1995 में 2 फिल्में आईं, नंबर एक है अंगरक्षक और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। दूसरी फिल्म आई दुश्मनी और ये फिल्म फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पर। 1996 में सनी देओल की 4 फिल्में आईं, नंबर एक है हिम्मत, ये फिल्म फ्लॉप रही। दूसरी फिल्म आई जीत, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। इसी साल तीसरी फिल्म आई घातक और ये दर्शकों को खूब पसंद आई और सुपर हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। और इसी साल चौथी फिल्म आई अजय, ये फिल्म एवरेज साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर।
1997 में सनी देओल की कुल मिला के 3 फिल्में आई। नंबर 1 है जिद्दी और ये दर्शकों को खूब पसंद आई, जो कि सुपर हिट साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म आई बॉर्डर और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई सिनेमाघरों में। 1997 में तीसरी फिल्म आई कहर और ये फिल्म एवरेज रही। 1998 में सनी देओल की 2 फिल्में आई। नंबर 1 है जोर, ये सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई। इसी साल दूसरी फिल्म आई सलाखें और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 1999 में सनी देओल की कुल मिला के 3 फिल्में आई। नंबर 1 है प्यार कोई खेल नहीं और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। दूसरी फिल्म है अर्जुन पंडित, ये फिल्म एवरेज साबित हुई सिनेमाघरों में। तीसरी फिल्म है दिल लगी और ये फिल्म फ्लॉप रही सिनेमाघरों में। दोस्तों, इस तरह से सनी देओल ने 1992 से लेकर 1999 तक 24 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही, वहीं ब्लॉकबस्टर 1 फिल्म रही और सुपर हिट 3 फिल्में दी, सेमी हिट 1 फिल्म दी और हिट 1 फिल्म दी, एवरेज 6 फिल्में रहीं और सुपर हिट 1 फिल्म रही, वहीं फ्लॉप 10 फिल्में रहीं। दोस्तों, अब आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, सनी देओल या फिर सुनील शेट्टी, और किसकी फिल्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन कौन सी फिल्में आपने अभी तक देखी हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।